जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर सांप, बिच्छू और चूहा जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह झारखंड में मिले जनादेश की बाढ़ में बह रहे विरोधियों का भी है। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी शामिल होने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी और उसे जल्द निदान का भरोसा दिलाया। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की बातें कही। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जब भी वो जमशेदपुर रहेंगे उस दौरान शनिवार और रविवार दोनों ही दिन 2 घंटों का वक्त जनता और कार्यकर्ता के लिए निकालेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के लोगों ने उनके दल और सरकार पर जो विश्वास जताया है उस पर खड़ा उतरना एक जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। इसके लिए पूरी ईमानदारी से वो जुटे हैं। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी शामिल होने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार बाढ़ आने पर सभी सांप, बिच्छू और चूहा शत्रु मित्र जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वही हाल झारखंड में मिले जनादेश की बाट में बह रहे विरोधियों का भी है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए वो सब कुछ करेंगे। गौरतलब है कि कल रिम्स में उनके द्वारा एक मरीज को खून दिए जाने की खूब सराहना की जा रही है। नहीं नहीं, चुनौती को स्वीकार करने के लिए ना इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया है। इस चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता देख के जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश इतना बड़ा है कि इस बड़े जनादेश को देखकर जब बाढ़ आ जाती है ना, तो आप देखिएगा जब बाढ़ आ जाती है तो सांप, बिच्छू, चूहा सब एक पेड़ में आ जाता है। तो उसी का नतीजा है कि भाजपा इतना घबरा गई है कि जो बाबूलाल मरांडी कभी बोलते थे कि हम जो है भाजपा में जाने के बजाय कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को कमान दे दिया और बाबूलाल जी भाजपा में हो गए। तो नतीजा ये हुआ कि ये जनसैलाब उमड़ा है और जनसैलाब इतना व्यापक है कि बाबूलाल जी भाजपा सब जो है एक गाछ पे बैठ गए हैं। इसलिए जनता ने हमको चुनौती स्वीकार करने की क्षमता को देखते हुए जनादेश दिया है और हम उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके हम उस चुनौती को निश्चित तौर पर, रात बहुत अंधेरी है और रात में तारे भी साथ नहीं हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हमारी सोनिया गांधी जी के डायरेक्शन में इतनी ताकत है कि हम लोग सुबह के सूरज को अपनी आंख से देख रहे हैं। इसलिए रात के अंधेरे को चीर कर सुबह के सूरज को पास ले आएंगे, ये कुव्वत इस सरकार में है। उस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी सकारात्मक काम नहीं किया है और आज स्थिति ऐसी है कि 91,000 से भी ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं। आप यदि MGM अस्पताल को देखेंगे तो यहाँ जो अभी पद जितने जो है यहाँ पद एग्जिस्टिंग हैं, उन पदों के अगेंस्ट में कर्मचारी और पदाधिकारी बहुत नगण्य हैं। तो हम लोग इसमें फाइनेंशियल ग्रुप को भी बुलाया है, हमने उसमें अलग अलग विभाग के विभाग अध्यक्षों को भी रखा है, फिर एक हाई प्रोफाइल कमेटी भी बनाई है। अब देखिए वो काम करती है तो फिर क्या क्या किस किस बिंदु में अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हम लोग बैठ के उस पर निर्णय करेंगे कि उसको जो है किस तरीके से इसका समाधान किया जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आउटसोर्सिंग करके भी
सब चीज़ों का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कुछ चीज़ों को आउटसोर्स ज़रूर करेंगे। यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नियमित नेचर के यदि जॉब हैं तो उस पर भी सरकार जो है गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुधार की प्रक्रिया में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और ये प्रयास हमारा बहुत सार्थक होगा।